हेलो एवरीवन, तो आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार की एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डबल एओआ एओआ या फिर कोई से भी आप एग्जाम ले सकते हो एमपीपीएट वगैरह, तो इन सभी में पूछे जाने की संभावना है और आपको ये ओल्ड पेपर में भी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, इसलिए याद रखिएगा वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे हर पार्ट में, तो आप बस कुछ नहीं करो, चाहे आप याद करो या ना करो, लेकिन वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि आपके जो सभी क्वेश्चंस है सभी डाउट है ये वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी हमारी क्लास लगेगी इसका नोटिफिकेशन आपको जब ही मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा इसे ऑल पर जरूर दबाओगे, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज बस नए सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जलवायु में पादप व जंतु निवास करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन को गाने से पहले याद रखिएगा, एक होता है माइक्रो एक होता है मैक्रो। अब मैक्रो में तो क्या आ जाता है, याद रखिएगा जो पूरा एनवायरनमेंट होता है हमारा, जो पूरा ठीक है संपूर्ण जो क्लाइमेट होता है जलवायु होती है, तो ये संपूर्ण आ जाती है मैक्रो में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पादप एवं जंतु जीव में निवास करते हैं तो उस जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है याद रखिएगा माइक्रो क्लाइमेट, मतलब वैश्विक जलवायु और सूक्ष्म जलवायु। ठीक है, तीनों एक ही नाम है तो इन तीनों को आप स्पेशली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होते हैं, ठीक है ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनमें कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एनपीके, मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कार्बनिक पदार्थों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, एन पी और के होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक कॉमन क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मालवेसी कुल से संबंधित फसल है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कपास का जो कुल है, ठीक है याद रखिएगा कपास का जो कुल है वो कौन सा होता है, तो होता है मालवेसी होता है। याद रखिएगा कपास और भिंडी दो ऐसी क्रॉप है जिनकी दोनों की ही फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी होती है। याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पेशली याद रखिएगा इसको कि कपास और भिंडी दोनों का कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिप्सम में कौन से तत्व मुख्य रूप से मिलता है, तो अब आपको पता होना चाहिए जिप्सम होता क्या है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। क्या होता है जिप्सम का, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो होते हैं कैल्शियम और एक होता है सल्फर। ठीक है, ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है ये याद रखना है, याद रखिएगा इनमें कंपोनेंट कितना होता है, मतलब कैल्शियम तो हमने आपको बता दिया कि 29% पाए जाता है। कितना होता है कैल्शियम, याद रखिएगा 29% होता है, और सल्फर भी आपको कई बार बताया गया है। ठीक है, तो ये सल्फर कितना पाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो जल्दी से कमेंट करिए कि जिप्सम में कैल्शियम तो 29% पाया जाता है लेकिन जो सल्फर कंटेंट होता है ये कितना होता है। ठीक है, ये आप सभी को कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी परसेंट होती है। ठीक है, सभी कमेंट करेंगे तो जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में तंबाकू उत्पादन सर्वाधिक लिया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं तंबाकू, तो तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा भारत में की जाती है आंध्र प्रदेश में की जाती है। ठीक है, अब ये तो आप छोड़ भी सकते हो, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, मतलब क्या है CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा हर प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से नकदी फसल या रोकड़ फसलों का समय कौन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी नकदी फसल कौन कौन सी है, तो ये तो आप जान जाओगे कि रोकड़ फसल या फिर नकदी फसल होती है। ठीक है,
तो जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ना हुआ, आलू हुआ, तंबाकू और ग्वार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा तंबाकू, आलू हुआ, ग्वार हुआ और गन्ना हुआ, ये सभी क्या आती है रोकड़ फसल या नगदी फसलों के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। इसके साथ साथ जो रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ग्वार से संबंधित कि ग्वार गम किस में पाया जाता है, यानी गम किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर क्या था कि याद रखिएगा गम किस में पाया जाता है, ग्वार में पाया जाता है। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, आपको डायरेक्ट याद रखें ग्वार गम, कैसे याद रखोगे ग्वार गम, ठीक है याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तंबाकू के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लवणीय मृदाओं का पीएच क्या होता है, याद रखिएगा कि लवणीय मृदाओं का पीएच क्या होता है, तो अब यहाँ पर एक मैप आप याद रखिएगा, ठीक है पीएच स्केल का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो अब पीएच स्केल में क्या होता है, ठीक है याद रखिएगा एक होता है 7 से कम, ओके इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, एक होता है 7, एक होता है 7 से अधिक, ठीक है तो कम वाला जो होता है पोर्शन इसे बोला जाता है अम्लीय, 7 से कम पीएच वाली जो मृदा होती है उसे बोला जाता है अम्लीय मृदा, जिसका 7 पीएच होता है उसे बोला जाता है उदासीन मृदा, और जिस मृदा का पीएच 7 से अधिक होता है उसे बोला जाता है क्षारीय मृदा। लेकिन अब ये क्षारीय मृदा है ना, तो इसमें दुख है, यानी दो पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है इसमें भी क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक होता है 8.5 से कम और एक होता है 8.5 से अधिक, तो अगर आपसे पूछा था 8.5 वाली या फिर 8.5 से अधिक जिस सोयल का पीएच होता है वो तो कौन सी होती है, होती याद रखिएगा क्षारीय मृदा। दोबारा से नोट करके दिखा देता हूँ, इसे आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था कि ऐसी मृदा कौन सी है या फिर ऐसी मृदा को किस नाम से जाना जाता है जिसका पीएच 8.5 से अधिक होता है, तो उसे जाना जाता है क्षारीय मृदा, ठीक है अधिक होता है उसे बोला जाता है क्षारीय, और 8.5 से कम होता है उसे बोला जाता है लवणीय मृदा। ठीक है इन दोनों को आप स्पेशली याद रखिए, क्योंकि इन दोनों से ही आपको आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 7 से कम क्या होता है अम्लीय मृदा, 7 क्या होता है उदासीन मृदा, 8.5 से कम क्या होती है लवणीय मृदा, और 8.5 से अधिक क्या होती है क्षारीय मृदा। ठीक है चारों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीटीआरआई, यानी यहाँ पर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रखा है कि सीटीआरआई से कुछ किस्में निकाली गई है। ठीक है सीटीआरआई स्पेशल श्वाना, हेमा भव या हेरिशियन अम्ब्रेला, ये सभी किसके किस्में होती है, तो ये होती है सिगरेट तंबाकू की होती है। अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा मिट्टी निम्न में से किसकी खेती लिए उपयुक्त है, यानी यहाँ पर आपको एक वर्ड मिस है यहाँ पर कि काली मिट्टी किस फसल के लिए। ठीक है इसे आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कपास फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो याद रखिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी होती है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए याद रखिएगा काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है काली कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जल्दी से यार वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें। इसके साथ साथ याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि क्लास कब होती है, तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, वैसे आपका जो सुबह का टाइम है ये 9:05 का यानी 9:15 का है, ठीक है 9 बजे का है, लेकिन बाई चांस मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नोटिफिकेशन का है ना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो नोटिफिकेशन का है इसे भी आप ऑन कर ले, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाते हैं क्लास, तो उसका पता आपको चल जाएगा। ठीक है आधे घंटे पहले मैं एक नोटिफिकेशन आपको भेजता हूँ तो वो आपको मिल जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। अगर आपने ऑन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइए नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि आपको जब ही नोटिफिकेशन मिलेगा जब आपने उसे इनेबल कर रखा होगा। ठीक है तो जल्दी से जाइए और नोटिफिकेशन के जो आता है बेल आइकन इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जिससे कि आपकी हमारी जब भी आपको क्लास होगी जब आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है तो ये प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो आर्गन गैस होती है ये कितनी होती है वायुमंडल में, ये होती है 70% होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आलू के कंद का हरा होना, आलू के कंद का हरा होना इसके छिलके के नीचे किस रसायन के कारण इकट्ठा होने के कारण होता है। मतलब आपने देखा होगा कि आलू का जो कंद होता है वो क्या हो जाता है हरा हो जाता है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या रहता है। तो याद रखिएगा कि आलू का कंद जब हरा होता है या फिर जिस पोर्शन से वो हरा होता है उसके अंदर क्या होता है सोलेन नामक वर्ण होता है, सोलेन नामक पिगमेंट होता है, और इसकी जमाव के कारण इसके इकट्ठा होने के कारण क्या होता है आलू का जो कंद है ये हरा हो जा रहा है।
ठीक है। क्यों होता है हरा? क्योंकि इसमें सोलेनिन नामक जो वर्णक होता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल व पौधे की वृद्धि का पारसी अध्ययन किया जाता है, उसे किस नाम से नाचता है? ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक डेफिनेशन कि वह विज्ञान या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल तथा पौधे की वृद्धि के पारसी अध्ययन किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है, याद रखिएगा, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो जल के द्वारा जो कटाव होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो वाटर इरोजन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कोटा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि चंबल नदी है, और इस चंबल नदी के कारण क्या होता है? सबसे ज्यादा वाटर इरोजन देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है वाटर इरोजन? ये होता है कोटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगेती और पछेती झुलसा जो रोग होता है ये किस फसल में होता है? तो आपने पढ़ा हुआ, याद रखिएगा, जो ब्लाइट रोग है एक मुख्य बीमारी होती है, किसकी होती है? आलू की होती है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये दोनों ही जो रोग होते हैं ये किस में होते हैं? याद रखिएगा, आलू में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, रोग कारक होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है जैसे कि लेट ब्लाइट। ठीक है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्या होता है लेट ब्लाइट का? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है। ये आप प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ोगे, जवाब पढ़ोगे। ठीक है, इसका भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो जलवायु, ठीक है, आपने ये तो हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको बताया था कि जलवायु मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जलवायु ये किन किन पदार्थों या फिर किन किन कारकों से मिलकर बनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तब आपको क्या बताना है? प्रकाश, तापक्रम, वायु आर्द्रता और वायु दाब व वायु राशि, इन सभी के मिश्रण को क्या बोला है? जलवायु बोला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाती है कि जलवायु किसे बोलते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, तब आपको क्या बताना है? प्रकाश, तापक्रम, वायु आर्द्रता, वायु दाब और वायु राशि, इन सभी के संयोग को ही जलवायु बोला है, क्लाइमेट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए कि निम्न में से दीर्घकालीन, मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक आपने नाम सुनाएगा, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं किस श्रेणी में रखा गया है? लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू में, याद रखिएगा, एक अच्छा किसान है कि आलू में उन्नत सस्य क्रिया अपना से कितनी उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है? मतलब जो इंटरक्रॉप, जो इंटरकल्चर हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए निराई गुड़ाई वगैरह होती है, तो ऐसी जो क्रिया की जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, तो उससे कितनी हमें यील्ड प्राप्त हो जाती है? तो वो प्राप्त हो जाती है, याद रखिएगा, 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मृदा में कुल कितने रंध्र, याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मृदा में कुल कितने प्रतिशत रंध्र अवकाश होने चाहिए? तो होना चाहिए 50%, जब भी याद रखिएगा उस मृदा को, मतलब जिस मृदा में 50% रंध्र अवकाश है उसे ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, खेती करने के लिए उपयुक्त किसे माना जाता है? जिसमें जो रंध्र अवकाश है ये 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आलू के शीत भंडारण में आलू का कितने प्रतिशत टेम्परेचर पर रखा जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा गया है, और कैसे आपको भंडारण करना है, याद रखेगा, कोल्ड स्टोरेज आपको करना है। ठीक है, कोल्ड का तो मतलब आप समझ गए कि हमें यानी मिनिमम टेम्परेचर रखना है, लेकिन कितना रखना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर तो होना चाहिए 1 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद ये 1 से 25 नहीं है, 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसे आप एक बार चेक कर ले, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में 1 से 25 नहीं होगा, शायद मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रहा, 1 से 5 हो सकता है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व मौसम विज्ञान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर स्थित है? ये याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम होता क्या है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तंबाकू, तो इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो होता है निकोटियाना स्पीसीज होता है। और अगर हम बात करते हैं तंबाकू का कुल कौन सा होता है, तो ये होता है सोलेनेसी होता है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिए, क्ले मृदा का आकार क्या होता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था क्ले मृदा, क्ले या फिर चिकनी मृदा, ठीक है दोनों एक ही होते हैं, क्ले को चिकनी मृदा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, क्ले मृदा या चिकनी मृदा, तो इसका जो कण होते हैं, इसका जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो क्या रखी जाती है या फिर क्या होती है, ये होती है 0.002 mm से कम होती है। कितनी होती है? 0.002 mm से कम होती है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है 0.002 mm से कम होती है क्ले सोइल पार्टिकल्स की साइज, ठीक है याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिगरेट तंबाकू को खेत में लगाते समय पौधों की आपसी दूरी क्या रखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं P2P, तो याद रखिएगा पौधे से पौधे की दूरी सिगरेट तंबाकू में कितने रखते हैं, ये रखते हैं 80 × 80 cm, मतलब एक से दूसरे के मध्य 80 cm की डिस्टेंस रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कुछ जैसे कि बेसिक टर्म होती है तंबाकू में, चार टर्म होती है, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तंबाकू के सबसे ऊपर वाली कलिकाओं को या पुष्पम तथा उसके साथ वाले दो या तीन पत्तियों को तोड़ना क्या कहलाता है। याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू से जो चारों क्रिया होती है, जो उसमें अपनाई जाती है, इन चारों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो चारों को आपको सही से समझना है। तो अगर आपसे पूछा था टोपिंग किसे कहते हैं या फिर टोपिंग में हम करते क्या है, तो याद रखिए इसमें पुष्पक्रम या फिर दो या तीन पत्तियों को एक साथ तोड़ते हैं। याद रखिएगा तंबाकू में पुष्पक्रम व दो या तीन पत्तियों को एक साथ तोड़ना क्या कहलाता है, टोपिंग या शीर्ष कर्तन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि चोटी पर शीर्ष कर्तन या टोपिंग हाई कितने समय पर करते हैं, सॉरी यहाँ पर करते हैं यानी जो दो या तीन पत्ती हैं इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, पुष्पक्रम भी तो हम ले रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन एक है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ दीजिए, इसे आप याद रखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछिए सबसे नीची वाली जो परत होती है तो ये कौन सी होती है, ये होती है याद रखिएगा सौरमंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर होती है। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर होती है। और याद रखिएगा मौसम से संबंधित जितनी भी जो घटनाएं होती है, मौसम से संबंधित जितनी भी जो घटनाएं होती है, जैसे कि मान लीजिए कोहरा छा रहा है, ठीक है, बारिश आ रही है, बादल छा रहे हैं, तो ये सभी कहाँ पर होते हैं, केवल याद रखिए ये सौरमंडल में ही होते हैं। याद रखिएगा सौरमंडल में सभी मौसम से संबंधित जितनी भी जो क्रियाएं वो कहाँ पर होती है, केवल और केवल ट्रोपोस्फीयर में होती है, सौरमंडल में होती है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि समताप मंडल, तो इसके ऊपर क्या होता है, समताप मंडल होता है। और इस समताप मंडल में क्या होता है, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह चलते हैं तो किस में चलते हैं, समताप मंडल में ही चलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत भी होती है। क्या होती है, याद रखिएगा समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक पीएच मानने वाली मृदा कौन सी होती है। तो अभी आपको हमने बताया था कि 8.5 पीएच अगर किसी सोइल का होता है इससे अधिक, तो कौन सी होती है, सारी मृदा होती है। और अगर आपसे पूछता है कि वह मृदा जिसका पीएच 8.5 से कम होता है वो कौन सी होती है, तो होती है लवणीय मिट्टी होती है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपके लगभग यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रगल किया जाता है, तो इतना तो हक हमारा भी बनता है कि हमें भी आप सपोर्ट करिए और हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट बोर्ड ऑफिस सही जवाब में, टेक केयर।